कैसे हो गाइस, वेलकम टू वीआरडी ब्लॉग्स। आज जो है मैं पूरा कवर करने वाला हूँ दार्जिलिंग ट्रिप, हम लोग कैसे किए और हम लोग कैसे दार्जिलिंग पहुँचे और दार्जिलिंग से कैसे वापस आए और इस ट्रिप का जो है कितना खर्चा हुआ, सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। आप लोग अगर दार्जिलिंग का एपिसोड्स नहीं देखे हो तो क्या देखे हो आप लोग, जल्दी से जाओ आई बटन में, देखिए लिंक आ जाएगा, इधर आई बटन में लिंक आएगा, देख लीजिए वीडियो, देखकर फिर आइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि पिछला सब वीडियो देखोगे फिर ये वीडियो और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। देखिए गाड़ी का हालत आफ्टर दार्जिलिंग टूर कुछ ऐसा हो गया है, गाड़ी का हालत पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पूरा कीचड़ जमा हुआ है गाड़ी में, नीचे चेन भी लूज़ हो गया है, थोड़ा थोड़ा चेन को भी टाइट करना है, अभी गाड़ी वॉश भी होगा। One hour later. गाड़ी जो है अभी वॉश हो गया है, अभी हवा देना पड़ेगा सूखने के लिए। सो द थिंग इज दैट कि उम्मीद करता हूँ सब लोग दार्जिलिंग का वीडियो देख लिए होंगे और अभी जो है आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ दार्जिलिंग ट्रिप कैसा रहा और क्या का खर्चा आया दार्जिलिंग ट्रिप का और कैसे आप लोग दार्जिलिंग जा सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। मैं और मेरे भैया जिंदगी में कभी भी दूर में घूमने के लिए नहीं गए थे खुद से, हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग का घूमने के लिए सिर्फ एक ही जगह था, मेरा मामा का हाउस। मैं और मेरा भैया बचपन से उधर ही जाते थे, घूमते थे उधर। लाइफ का पहला जो हम लोग का ट्रिप प्लान किया हुआ है, मतलब हम लोग जैसे तैसे करके उधर पहुंचेंगे, यही हम लोग का गोल था, वो गोल हम लोग पूरा कर चुके हैं। कोई लोग जाते हैं ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, और हम लोग का प्लान देखो, हम लोग गए बाइक से, वो भी कोलकाता से दार्जिलिंग, समझ रहे हो। तो इस वीडियो को लाइक तो करना बनता है दोस्तों। किसी भी ट्रिप के लिए जो चाहिए वो है प्लानिंग, जो हम लोग के पास था ही नहीं। प्लानिंग तो सिर्फ यही था कि हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग कैसे भी हो। पहले तो मैं निंजा 300 लाइम बर्ड को लेके आया हूँ मई का एंड में, और हम लोग का प्लान था दार्जिलिंग जाने में अगस्त के टाइम पर, 15 अगस्त में छुट्टी रहते है और उधर था संडे और सैटरडे था और हम लोग एक दिन छुट्टी लिए थे। सबको बताया हम लोग का प्लान के बारे में कि हम लोग दार्जिलिंग जाएगा, कुछ दोस्त लोग से बात किए थे, तो उन लोग का टाइम जो है मैच नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोग सोचे कि टाइम मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग को अकेला ही जाना पड़ेगा, मतलब मैं और मेरे भैया विद लाइम बर्ड मतलब निंजा 300 को लेकर जाएंगे दार्जिलिंग के तरफ, और जो है रास्ते में जो जो होता है देखा जाएगा। और कुछ प्लान वगैरह थोड़ा किए थे, सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होता, प्लान को एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। तो पहला जो था किसी जगह में जाने के लिए जो होता है कि हम लोग उधर कैसे पहुंचे, पहुंचने का बाद जब आया वो तो हम लोग के पास है ही निंजा 300, हम लोग का लाइम बर्ड को लेकर हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग पर। सो प्लान तो किया था हम लोग ने, हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग पर, उसके लिए निंजा 300 का जो है पिलियन का जो सीट होता है वो सीट तो उतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ सीट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग उसके दो दिन पहले से हम लोग भीगते भीगते हुए गए सीट को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन कुछ दुकान खुला नहीं था। एक दुकान में बताया कि एक सीट को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब दो सीट हम लोग का पिलियन सीट और राइडिंग सीट मॉडिफाई करने के लिए लगेगा 1000 रुपया। हम लोग सोचे कि अभी 1000 रुपया खर्चा करने का कोई बात नहीं होता, हम लोग जैसे बता रहा था कि कुशन दे के अच्छे से सीट को बना देने के लिए, वो लोग बोल रहा था कि नहीं हो पाएगा, हम लोग सीट मॉडिफाई नहीं किए थे, बारिश में पूरा भीगा और फिर हम लोग लौट आए घर में 10 बजे हम लोग लौट रहे थे, 3 वगैरह करके रखा था गाड़ी को, गाड़ी पूरा क्लीन था, रेडी था और गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करना था, सीट को ही मॉडिफाई करना था और लाइट को थोड़ा एडजस्ट करना था। भैया लाइट एडजस्ट कर दिए, हम लोग देखे थे कि ठीक ठाक है, क्योंकि निंजा 300 का लाइट जो है उतना अच्छा नहीं है, सोचे थे हम लोग रात में राइड करेंगे, क्योंकि जिस दिन हम लोग को निकलना था उस दिन भैया का ऑफिस था, तो भैया बोले कि ऑफिस करने के बाद आकर थोड़ा सो लेंगे फिर हम लोग राइड पर निकल जाएंगे रात में, पूरा रात हम लोग गाड़ी चलाएंगे, ऐसा ही कुछ
कुछ प्लान था। 11th अगस्त को हम लोग को निकलना था। दो दिन पहले एक बैग खरीदा था राइनॉक्स का, जो सैडल बैग है। मैं सोचा था मेरा निंजा 300 में फिट आराम से हो जाएगा, क्योंकि पीछे का जो सीट है उसके साथ जो ग्रैब रेल है उसमें हम लोग कनेक्ट करके एक हो जाएगा, कैसे भी जुगाड़ करके हो जाएगा। फिर हम लोग गए द बाइकर्स पर, उधर बैग अवेलेबल नहीं था, तो भैया बताया कि बैग मिल जाएगा आप लोग को अगले दिन। 10th अगस्त को फिर गया भैया के पास बैग को, उधर से मैं कलेक्ट करके लेके आया। सोचा था निंजा 300 में फिटिंग हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एकदम पैकिंग करके फील लेके जाएंगे, उधर पूरा बैठा देंगे, हो जाएगा जैसे तैसे करके हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब बैग रेडी था, बैग को पूरा पैकिंग करने में लग गया हम लोग को 2 घंटा। 11th अगस्त में निकलेंगे राइट पर, उसके ठीक 1.5 घंटा पहले ही बैग को पूरा पैकिंग करके कम्प्लीट कर दिए थे। गाड़ी में बैठा है बैग को, तब देखा कि बैग फिटिंग ही नहीं हो रहा है। ऊपर से मेरा गाड़ी का जो पिलियन सीट है उसके साइड में जो फ्रेम लगा हुआ है निंजा 300 का, उधर देखा कि कलर उठ गया थोड़ा। जाने के पहले ही मतलब पूरा हालत बुरा हो गया था हम लोग का। और नया गाड़ी है, कलर उठ गया थोड़ा, दिल पे तो चोट लग गया था ऑलरेडी। भैया बोला कि ऐसे हम लोग नहीं जा सकेंगे, ऐसे तो नहीं जा सकते, क्योंकि बैग नहीं है तो हम लोग सामान वगैरह कैसे पैक करे। सामान वगैरह तो लेकर जाना है ना, जाके रहना भी है, घूमना है, तो ऐसे हम लोग नहीं जा सकते, तो राइड को कैंसिल कर देते हैं। 11th अगस्त 5 PM को हम लोग सोचे कि हम लोग जाना कैंसिल कर देंगे। राइड के लिए क्या क्या लगता है, प्लानिंग ना, और राइडिंग गियर्स भी लगता है। तो राइडिंग गियर्स के लिए हम लोग के पास जो था सिर्फ ए था हम लोग का राइडिंग गियर, और कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ ए था। और मेरा भैया का हेलमेट था, और 1 pair of gloves था, और कुछ नहीं था दोस्त। नियर अबाउट 650 किलोमीटर हम लोग को जाना है। मेरा भैया बोला कि चला जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा रास्ते में, और जो दिक्कत वगैरह आएगा देख लेंगे। दिक्कत तो पहले ही आ गया है, जो है हम लोग का बैग फिटिंग नहीं हो रहा है निंजा 300 में, तो कैसे जाए। प्रकट होता है हम लोग का विशाल भैया, तो विशाल भैया आकर बोला कि राइड क्यों कैंसिल करना है तुम लोग को, ट्रिप मत कैंसिल करो, मेरा एक बैग है वो बैग लेकर जाओ, और हमारा एक बैग है वो बैग लेकर जाओ, हो जाएगा। हम लोग सोचे फिर पूरा 650 किलोमीटर में पिलियन एक बैग लेकर, मेरा भैया जो चलाएंगे उसको भी एक बैग पीठ में लेकर चलना पड़ेगा इतना देर। पहले सोचे कि नहीं जाएंगे, फिर विशाल भैया जब हम लोग को बताया कि चला जाओ जो होता है देखा जाएगा, तो हम लोग फिर उधर से निकल पड़े दार्जिलिंग ट्रिप के लिए। ऐसे ही तो कुछ नहीं था राइडिंग गियर्स वगैरह, ऊपर से तो जो है बारिश चालू कर दिया भगवान ने, तो हम लोग सोचे कि बारिश में भी तो जाना है हम लोग को, मतलब मैं भैया एक रेनकोट, मैं एक रेनकोट पहना। फिर हम लोग का जर्नी जो है स्टार्ट किए 6:30 को, हम लोग को जाना था 4 PM में, लेकिन हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ 6:30 में। भीगते हुए हम लोग निकल पड़े दार्जिलिंग के लिए। कैंसिल किया हुआ ट्रिप जो है चालू हो गया 11th अगस्त 6:30 PM को, और हम लोग चल पड़े दार्जिलिंग के लिए। फिर जो हुआ रास्ते में 12:07 में हम लोग जब जा रहे थे, उधर से एक दुकान था, कुछ टूल्स देकर हेल्प किया उधर से, मेरा भैया जो है गाड़ी का लाइट जो है एडजस्ट कर लिए। फिर लाइट एडजस्ट करने के बाद उधर से हम लोग निकल पड़े हम लोग का मामा का हाउस पर बेथौड़ी में। हम लोग का घर से जो था 130 किलोमीटर, उधर में जाके हम लोग का रात का डिनर हम लोग किए। 130 किलोमीटर हम लोग को लग जाता है 2.5 से 3 घंटा, और उसी रास्ते में हम लोग का उस दिन टाइम लगा 4 से 5 घंटा, क्योंकि रोड में बहुत जैम था और पूरा कीचड़ हुआ था। तो जाने का टाइम हालत पूरा खराब हो गया। गाड़ी का हालत देखिए कैसा है, गाड़ी का हालत पूरा खराब था, मतलब नंबर प्लेट में पूरा कीचड़ भरा हुआ था, पूरा नंबर प्लेट ही नहीं दिख रहा था उधर में। जैसे तैसे करके हम लोग का पहला 130 किलोमीटर कवर कर चुके थे और पहुंच चुके थे मेरे मामा का हाउस पर, और उधर जो है हम लोग डिनर कर लिए और उधर से हम लोग निकल पड़े। रात अब टाइम हो रहा था 12। रात में गाड़ी चलाना ऐसे ही रिस्की है, मेरा भैया का बहुत सारा एक्सपीरियंस है राइडिंग का, इसीलिए रात में भैया गाड़ी चला रहा था। तो पूरा रात भैया पूरा ड्राइव किए, फाड़क का ब्रिज क्रॉस करके हम लोग रुके उधर से। उधर रुक के थोड़ा फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग उधर से चल पड़े। कुछ प्लान वगैरह नहीं था हम लोग कौन सा जगह में घूमेंगे, यही याद था कि हम लोग दार्जिलिंग पे जाएंगे और जो जो कुछ है मतलब बाताशिया लूप, टाइगर हिल विजिट करेंगे, और जो है अगल बगल का जो है हैप्पी वैली टी स्टेट ऐसा ही घूमेंगे, फिर देखेंगे कुछ घूमने का जगह होगा तो पूछ लेंगे उधर से किसी को। फिर अगले दिन जो है हम लोग पहुंच गए दार्जिलिंग, और उधर सिलीगुड़ी हम लोग
लोग घुस गए थे 8 AM पर। फिर उधर से हम लोग को दार्जिलिंग में उठने के लिए टाइम लगा 3 घंटा नियर अबाउट, क्योंकि बहुत जैम था उधर और 40 किलोमीटर है उधर से सिलीगुड़ी से। शायद दार्जिलिंग में पहुंच के हम लोग उस दिन रेस्ट किए थे और उधर जो है महाकाल टेम्पल पर हम लोग घूमे थे, जो उधर का मार्केट है मेल पर हम लोग घूम रहे थे उस दिन। और अगले दिन हम लोग का प्लान था टाइगर हिल जाने के लिए, लेकिन टाइगर हिल में हम लोग नहीं जा सके, कुछ मिस गाइडेंस हुआ था। उधर का पुलिस बोल रहा था कि हम लोग नहीं जा सकते टाइगर हिल में, हम लोग कोलकाता से आए। फिर अगले दिन कुछ पुलिस से हम लोग पूछे, फिर हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिला। दार्जिलिंग के ऊपर एक पुलिस स्टेशन है, उधर से डिस्ट्रीब्यूट होता है पास, तो हम लोग पास कलेक्ट कर लिए थे। 10 रुपए था पास मेरा बाइक के लिए, तो फिर उधर से पास कलेक्ट करके हम लोग निकल पड़े थे। हम लोग जिस दिन पर घूमे थे दार्जिलिंग पर, एक ही दिन में हम लोग बहुत सारा जगह कम्प्लीट कर लिए थे। पहले हम लोग गए थे बाताशिया लूप, फिर हम लोग गए थे रॉक गार्डन, फिर हम लोग गए थे हैप्पी टी स्टेट वैली, उधर से हम लोग गए थे जापानीज टेम्पल और बुद्धिस्ट टेम्पल, एक ही जगह में जापानीज टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल। उधर से फिर हम लोग निकल पड़े थे लेप्चा जगत के लिए, जो है मिरिक साइड में। लेप्चा जगत कवर किए, फिर हम लोग कवर किए सुखिया पोखरी छोर पोखरी, और फिर उधर से हम लोग चले गए माए वंजन जो है नेपाल पर। और उधर से नेपाल का उस पॉइंट से माए वंजन थोड़ा सामने जाकर ही शुरू होता है सांदकफू का ट्रेकिंग। तो इतना सारा जगह हम लोग कवर किए। हम लोग दार्जिलिंग में एक दिन पर पहाड़ी में पूरा 100 किलोमीटर गाड़ी को हम लोग राइड किए। मालूम नहीं है इतना कोई घूमता है कि नहीं दार्जिलिंग जाकर। टोटल हम लोग का जो किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ था, इधर से हम लोग का नियर अबाउट 600 से 650 किलोमीटर, मतलब टोटल हम लोग का राइड कवर हुआ था नियर अबाउट 1400 किलोमीटर। तो ऐसे ऐसे हम लोग दार्जिलिंग पर घूमते गए। और अगले दिन हम लोग का प्लान था टाइगर हिल जाने के लिए, उधर पूरा क्लाउडी था, सोचे कि जाएंगे लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, हम लोग कुछ देख नहीं पाते, इसीलिए हम लोग सोचे हम लोग निकल जाएंगे और रहने का फायदा नहीं है क्योंकि ऑफिस भी चालू हो जाएगा, घर भी लौटना है। तो सुबह में निकल गए। इतना अच्छा होटल का मैनेजर भैया था, ऐसा भी नहीं लिए क्योंकि पूरा लोड शेडिंग था दार्जिलिंग में और हम लोग का जो है फोन पे वगैरह काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग नीचे आए, फिर हम लोग भैया को पैसा पेमेंट कर दिया। तो अभी आते हैं कितना खर्चा आएगा इस ट्रिप में। हम लोग का जो टोटल पेट्रोल का जो खर्चा हुआ ना, टोटल हम लोग नियर अबाउट 1400 किलोमीटर घूम चुके थे और हम लोग टोटल फ्यूल फिलअप किए थे 5500 रुपीज नियर अबाउट। बहुत अच्छा हम लोग घूमे समझ लो, क्योंकि हम लोग 100 किलोमीटर घूमे दार्जिलिंग पर एक दिन में पहाड़ी में, समझ रहे हो। और होटल का जो फीस था 700, हम लोग उधर 2 दिन स्टे किए। अब लोग एक दिन और स्टे कर सकते हो, मतलब 3 से 4 दिन दार्जिलिंग में रह सकते हो और आजू बाजू का जो है घूम सकते हो। जो खर्चा है यार टोटल, मैं और मेरे भैया का टोटल खर्चा है 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज ईच हम लोग का खर्चा है दार्जिलिंग ट्रिप में। इस वीडियो में इतना ही सब कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे और कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए और क्या क्या जानना है आप लोग को दार्जिलिंग के बारे में। मैं और एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ऐसा ऐसा नया नया कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग में ज्वाइन बटन भी है, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल के साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू से। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू दोस्तों।